हेलो एवरीवन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास टेन्थ केमिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने बाकी के चैप्टर्स यानी मेटलर्जी और स्टडी ऑफ कंपाउंड से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के कुछ वीडियोस पहले ही बनाए हैं आपने अगर अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं साथ ही आप केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके लेक्चर्स के वीडियोज भी देख सकते हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है इफ द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सी एट एच एटीन देन इट इज तो सी एट एच एटीन तो आपको पता है कि जनरल फॉर्मूला जो होता है ये क्या है एल्किन्स एल्केलकाइंस क्या पूछा जा रहा है आपको तो so आपको पता है एल्केन का जो होता है दैट इज सी एन एच टू एन प्लस टू उसी तरीके से का होता है सी एन एच टू एन तो देखिए यहाँ पे सी एट है यानी कि अगर एट है तो एट इन टू दैट इज सिक्सटीन प्लस टू टू एन प्लस टू वाला फॉर्मुला आ रहा है तो ये किस में फिट बैठ रहा है में तो ये जनरल किसका है किस का है एलकेनिक तो, मॉलिकुलर फॉर्मला अगर सी एट एच एटीन है इसका मतलब क्या होगा ये एक एल्केन होगा तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी और अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप मुझे इस एल्केन का नाम भी बता सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड कार्बन बाय विच इट कैन फॉर्म अ लॉन्ग चेन एंड रिंग्स इज कॉल्ड तो आपको पता है प्रॉपर्टी होती है कार्बन की जिसकी वजह से कार्बन की बहुत लंबी चेन फॉर्म कर सकता है उसके अलावा रिंग भी फॉर्म कर सकते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिंग्स भी ये फॉर्म करते हैं कार्बन एटम्स तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन इसका ध्यान रखना ये आपने शुरू में पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट आपके पास है टू नेबरिंग मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज डिफर बाय तो दो नेबरिंग मेंबर्स जो हैं है सीरीज के जैसे आपने पढ़ा होगा एल्केन्स एल्केन्स तो एल्स बाई सी एच टू आपको सीरीज की प्रॉपर्टी में पता है कि एक कार्बन और दो हाइड्रोजन से नेक्स्ट मेंबर जो होते हैं या दो नेबरिंग एटम्स या दो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दो नेबरिंग कंपाउंड जो होते हैं वो सी एच टू से डिफर करते हैं उनके मॉलिक्यूल्स में तो जैसे आपके पास मीथेन है तो नेक्स्ट हो जाता है सी टू एच सिक्स इथेन तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक कार्बन आइटम और दो हाइड्रोजन आइटम ज्यादा होते हैं नेक्स्ट में हो गए सी थ्री एच एट तो एक कार्बन और दो हाइड्रोजन आइटम्स बढ़ते रहते हैं तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हीटिंग सोडियम विद सोडा लाइम प्रोड्यूसेस तो ये चीज आपको ऑलरेडी पता है सोडियम एसिटेट का फॉर्मुला होता है सी एच थ्री सीओ एन ए दिस इज सोडियम एसिटेट इसको जब आप हीट करते हो विथ सोडा लाइम तो प्लस एन एच ये हो गया आपका कॉस्टिक सोडा और सी दैट इज क्विक लाइम तो इसके साथ जब आप हीट करते हो ये फॉर्म करता है सी ए थ्री ये क्या फॉर्म करता है सी ए सी ओ थ्री सॉरी एन ए टू थ्री फॉर्म करेगा सोडियम कार्बोनेट और साथ में फॉर्म करेगा सी एच फोर मीथेन तो इसका ध्यान रखिए क्या फॉर्म करता है ये ये फॉर्म करता है मीथेन तो आंसर इज मीथेन और अगर यहीं पे सोडियम एसिटेट की जगह पे अगर आप सी एच थ्री सी एच टू सी ओ एन ए यूज करोगे दैट इज सोडियम प्रोपेनोएट तो सोडियम प्रोपेनोएट यूज करोगे तो ये क्या फॉर्म करके देगा आपको ये फॉर्म करेगा सी टू एच सिक्स तो इसका आप ध्यान रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द नंबर ऑफ सी एच बॉन्ड इन इथेन मॉलिक्यूल आर तो चलिए चेक करते हैं कि इथेन मॉलिक्यूल होता कैसे तो आपको पता है इथेन में दो कार्बन होते हैं बाकी हाइड्रोजन से अटैच होते हैं दोनों कार्बन एटम्स तो दोनों आपस में एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं और बाकी हाइड्रोजन से अटैच हो सकते हैं तो देखिए एक सी एच बॉन्ड ये हो गया वन एक ये हो गया टू एक ये हो गया थ्री कार्बन और हाइड्रोजन पूछा जा रहा है फोर फाइव एंड सिक्स योर आंसर विल बी सिक्स कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कार्बन हाइड्रोजन कितने बॉन्ड होते हैं सिक्स बॉन्ड्स होते हैं तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन कैन बी कैरीड आउट इन तो क्लोरीनेशन अगर आप एल्केन्स का करोगे तो क्लोरीनेशन के लिए चाहिए होती है डिफ्यूज सनलाइट तो इसका आप ध्यान रखोगे इट रिक्वायर्स डिफ्यूज सनलाइट डिफ्यूज सनलाइट में हो जाता है

क्यूप्रस क्लोराइड अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ ये एक रेड कलर का प्रिस्पिटेट फॉर्म करता है तो ये कौन सा सब्सटेंस हो सकता है सो so, ये होगा आपका इथाइन ध्यान रखिए कौन सा कंपाउंड होगा इथाइन तो आपको पता है इथाइन जो होता है सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच प्लस एन एच फोर ओ एच होता है आपके साथ दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि ये अमोनिकल क्लोराइड है और साथ में सीयूसीएल होता है तो इसका आप ध्यान रखेंगे तो ये क्या फॉर्म कर लेता है ये सी सी यू ट्रिपल बॉन्ड सी सी यू तो इस कंपाउंड का नाम बताइए ये क्या फॉर्म करता है एक रेड कलर uh, का प्रिस्पिटेट फॉर्म करता है तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द आयूपीएससी नेम ऑफ एसिटिलीन इज तो एसिटिलीन का आयु पी एस सी नेम क्या है तो आई पी एस सी नेम ऑफ एसिटिलीन एसिटिलीन आपको पता है सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच यानी कि इसका नाम क्या है दैट इज तो आई होप कि आपको ये ये चीज चीज समझ में आ गई होगी ये ध्यान रखना कि को हम इथाइलिन बोलते हैं इथिन और इथाइलीन इसको कंफ्यूज मत करना इथाइन से इथिन और इथाइलीन दोनों एक चीज होती है तो इथिन को हम इथाइलीन भी कहते हैं और उसी तरीके से प्रोपीन को हम प्रोपाइलीन भी कहते हैं तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्सड विद इथेनॉल टू मेक इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग तो आपको पता होगा कि इथेनॉल के साथ हम एक सब्सटेंस ऐड करते हैं क्योंकि इथेनॉल जो होता है सी टू एच फाइव ओ एच ये यूज होता है फॉर ड्रिंकिंग पर्पज किस चीज़ के लिए यूज होता है ड्रिंकिंग पर्पज तो इसको अनफिट किया जाए ड्रिंकिंग के लिए उसके लिए हम इसमें ऐड करते हैं मिथेनॉल द करेक्ट आंसर इज मिथेनॉल मिथेनॉल ऐड करते हैं क्योंकि मिथेनलॉ पॉइजनस होता है और अगर आप मिथेनॉल इसमें ऐड करते हो तो मिथेनॉल ऐड करके ये फिर पॉइजनस हो जाता है इसकी वजह से ये ड्रिंकिंग के लिए फिट नहीं रहता है तो कोई इसको ड्रिंक नहीं कर सकता उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एक्स विद एल्कोहलिक प्रोड्यूसेज Ethene, तो डी हाइड्रोहेलोजिनेशन किया जाता है किसी सब्सटेंस का और वो क्या प्रोड्यूस करता है विद एल्कोहलिक के ओ इथिन प्रोड्यूस करता है तो एक्स में बी तो कौन सा सब्सटेंस है जिसका के ओ एच के साथ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन किया जाता है तो इथिन फॉर्म करता है अब आपको पता है इथिन क्या होता है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू साथ में फॉर्म करेगा क्योंकि डी है, हाइड्रोहैलोजेनेशन है तो यानी कि हाइलोजन और हाइड्रोजन रिमूव किया है तो के सी एल हो सकता है के बी आर भी हो सकता है प्लस साथ में ये फॉर्म करता है एच टू ओ तो ये कौन सा कंपाउंड होगा ये होगा सी एच थ्री सी एच टू सी एल ध्यान रखिए सी एच थ्री सी एच टू सी एल बी आर भी हो सकता है लेकिन यहाँ बी आर का ऑप्शन नहीं है तो क्लोरो ही है यहाँ पे तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे यहाँ पे है इथाइल क्लोराइड ये कौन सा सब्सटेंस है इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन भी हम इसको कहते हैं इसका कॉमन नेम क्या है इथाइल क्लोराइड है सो करेक्ट आंसर इज इथाइल क्लोराइड तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा ये होगा इथाइल क्लोराइड डीहाइड्रोहलोजिनेशन क्या हुआ है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे किया मैंने तो एक काम कीजिए डी मतलब एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन हटाया हमने तो दोनों कार्बन पर एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए तो इसका सी एच टू था तो सीएस थ्री हो जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा सीएच टू एक कार्बन पर हाइड्रोजन जोड़ेंगे और एक पे हेलोजन जोड़ेंगे क्योंकि इसमें से हैलोजन और हाइड्रोजन रिमूव हुआ तब ये बना है तो CH2Cl ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो तो आंसर क्या हो जाएगा इथाइल क्लोराइड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एसिटिक एसिड तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड में तो एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है CH3 C डबल बॉन्ड O OH सो so, आंसर क्या हो जाएगा आपका कार्बोक्सिल ग्रुप सी ओ एच तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था और अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच डज नॉट डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन्स एल्कीन्स बोला जा रहा है कि एल्कीन्स की प्रॉपर्टी इनमें से कौन से स्टेटमेंट डिस्क्राइब नहीं करता है दे आर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या ये सही है ये तो बिल्कुल सही बात है ये तो डिस्क्राइब करता है दे डी कलराइज ब्रोमीन वाटर जी हाँ ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर लेते हैं क्यों करते हैं क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे सी एच टू डबल वन सी एच टू क्या एक एल्किन है और जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो इनमें होती है एडिशन रिएक्शन तो फॉर्म कर लेगा सी एच टू बी आर सी एच टू बी आर तो ब्रोमीन जो होता है वो कम होते जाता है ब्रोमीन क्योंकि ब्रोमीन की वजह से कलर होता है ब्रोमीन वाटर का ब्रोमीन ये कंज्यूम कर लेता है इसकी वजह से ब्रोमीन वाटर डी कलराइज हो जाता है तो ये भी क्या है सही है लास्ट में हमारे पास दे कैन अंडर गो एडिशन एज वेल एज सब्सटीट्यूशन रिएक्शन तो ये दिस इज योर आंसर ये डिस्क्राइब नहीं करता इनमें एडिशन रिएक्शन तो हो जाती है इजिली बट सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इनमें जनरली नहीं होती है तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं इनमें होती है और ऑप्शन डी देख लेते हैं

सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर अगर आपकी कोई भी क्वेरीज डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं सो सी इन द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू वेरी मच